बच्चों की माँ, चार बच्चों की माँ मोहब्बत की शादी की है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। और अपने 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 शौहर को, अपने बच्चों को उठा के, अपने शौहर को छोड़ के, अपने बच्चों को लेकर भारत पहुँच जाती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह अलहम्दुलिल्लाह यो यो किट्टू भाई। मुसलमान लड़कियां जो है वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा उब चुकी। पाकिस्तानी लड़कियां और ऐसी लड़कियां जो कि ऑनलाइन गेमिंग करती हैं, वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई हैं। यही तो कयामत है। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा ये बताइएगा कि शादी हो गई आपकी, ठीक है, हिंदू लड़के से भी हो गई, तो हिंदू मतलब रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगी? ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया, बड़ा अजीबो गरीब ट्रेंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। मुसलमान कहते हैं कि हम सबसे अफजल तरीन कौम है, लेकिन अगर हम वाकई देखें तो क्या इन्होंने अफजल तरीन कौम वाले काम किए हैं? क्या है अफजल तरीन कौम? और आपने क्या कहा, कंफर्ट जोन? आप जिसको कंफर्ट जोन कह रही है ना, उसको मैं कहती हूँ सेक्सुअल थरक। तो कैसे हो आईएमएल देखने वालों? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ, ठीक है। आजकल एक ही चीज चल रही है, सीमा हैदर की लव स्टोरी। सही बात है यार। तो एक एड हुआ करती थी कि इंडिया में तो जनाब फोक चल रहा है, लेकिन आजकल सिर्फ सीमा हैदर की लव स्टोरी हर किसी की जुबान पर। सीमा हैदर जो कि भागकर आ गई है पाकिस्तान से, और पाकिस्तानियों की इस पर देखते हैं राय, बिलबिलाहट, फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों की माँ, चार बच्चों की माँ मोहब्बत की शादी की है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। शुरुआती जांच में सीमा हैदर को जासूस बोलना जल्दबाजी होगी। हलवा पकाओ। लेकिन उसकी कहानी पर इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। सही बात है। घर वालों से लड़के इस लड़की ने शादी की थी अपने शौहर से, लेकिन पबजी खेलते खेलते एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। तू क्यों जल रहा है? पता नहीं। भारतीय एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं सीमा हैदर का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से तो कोई कनेक्शन नहीं है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। और अपने 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 शौहर को, अपने बच्चों को उठा के, अपने शौहर को छोड़ के, अपने बच्चों को लेकर भारत पहुंच जाती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह अलहम्दुलिल्लाह यो यो किट्टू भाई। बड़े धमाकेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। धमाकेदार। पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत। से पहले भी हमें काफी जो है इस तरह के वाकयात नजर आए। लूडो गेम पर इंडियन शहरी से मोहब्बत। भारत के शहर बेंगलोर में गुज़िश्ता माह गिरफ्तार होकर रवा हफ्ते पाकिस्तान वापस पहुंचने वाली लड़की दुबई और फिर काठमांडू के रास्ते इंडिया पहुंची थी। अगर ये चार बच्चों के साथ आ सकती है तो ऐसे चार लोग और भी आ सकते हैं, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। ठीक है जी। पाकिस्तानी लड़कियां और ऐसी लड़कियां जो कि ऑनलाइन गेमिंग करती हैं, वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई हैं। यही तो कयामत है। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा ये बताइएगा कि शादी हो गई आपकी, ठीक है, हिंदू लड़के से भी हो गई, तो हिंदू मतलब रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगी? ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया, बड़ा अजीबो गरीब ट्रेंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो पाकिस्तानी बॉयज होते हैं बहुत ही ज्यादा बेकारी कहते हैं ना, GFO या वाइफ हो, उसको वो वैल्यू नहीं देते। बच्चों वाली बात कर यार, बच्चों वाली बात कर। जो पाकिस्तानी बॉयज है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना। हम गधे। हाँ इसलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। हाँ इसलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। हाँ इसलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। तो कैसे हो किटकैट? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सब वेट कर रहे होगे, मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ क्योंकि मैं गई थी अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि। मगर क्यों? मेरे पापों की संख्या बढ़ गई थी। हिंदू बॉयज की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं, काफी अच्छी उनकी सोच है, और वो जो लेडीज होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो बाहर जाना बेहतर है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया ही शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म वो कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। मैं उनके खिलाफ हूँ। आप कन्वर्ट कर जाएं। हाँ ऑब्वियसली कोई बात नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको शादी करने का मौका मिले
इंडियन हिंदू गाय से तो कर ली। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। तैयार बैठी हैं और इनको चाहिए इंडिया का। चाहिए इंडिया का क्या? अच्छी मेरा। कोई भी आप कैसे त्योहार कैसे मनाए जब आपका पीआई उस पार है, क्या बात है। बंद करो अपना ये ड्रामा। तो बॉर्डर पार भी मैं कर लूंगी। इतनी मोहब्बत, इतना जज्बा, क्या आपका जज्बा था जब यहाँ पे खींच लाया? सल्यूट है इस बंदी को। तो ये क्या जज्बा होता है, हिंदू लड़के से आप शादी कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, वो झूठे हैं। पैसा, गाड़ी, मोबाइल, आईफोन देख लिया, पैसा देख लिया, किसी के पास गाड़ी है, घर है, अच्छा प्यारा नाम भी होनी चलेगा, बस ये सब कुछ होना चाहिए। उसको तरीका है भीख मांगने का। हमें खुद इंडिया देखने का बहुत शौक था, उनको देख देख के हुआ था। वहाँ के लोगों का जो खुलूस है ना, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आदत उनकी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी आवाम है ना, वो किसी की तरक्की को भी नहीं देख सकती, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना जो हमें यहाँ पे भी नहीं मिलती। और ये आदत मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है और मैं इस आदत से उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। मुतासर है यानी कि भाई ये इंडियन लड़कों से बहुत मुतासर है भाई। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। इंडिया से मोहब्बत है या नहीं? नहीं, अपना मुल्क अपना मुल्क होता है ना, जैसा मर्जी हो लेकिन उसको तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी लड़कियां क्यों इंडियन हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती है? उनके लिए सारी सीमाएं लांघ जाती हैं, घुसपैठिया बन जाती है, किसी भी तरीके से इंडिया में आ जाती है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स की नजर में इंडिया मुसलमानों के लिए, आज का जदीद भारत मुसलमानों के लिए कत्लगाह से कम नहीं है। फिर भी पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन लड़कों पर इतना विश्वास करती है कि उनके लिए खुद तो आ ही जाती है, साथ में अपने चार चार झमूर को भी ले आती है। जब मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा ना, मैं बहुत खुश हो गया, मैं झूम उठ, फिर मुझे इतनी मतलब खुशी हो रही थी कि मैं इंडिया में हूँ। तो सवाल एक ही उठता है, आखिर क्यों, ऐसा क्यों? मुसलमान लड़कियाँ जो है वो अब शरिया के नाम पर और हिंद मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा उब चुकी। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा तीन और लड़कियां औरतें बर्दाश्त नहीं कर पा। जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। कुछ कुछ लड़कियां तो ये तक कह देती हैं कि हमने अमेरिका नहीं जाना, हमने पेरिस नहीं जाना, हमने लंदन नहीं जाना, हमने तो सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। जो दुर्नीतियां हो रही हैं हलाला के नाम पे, प्रोस्टिट्यूशन, चार बीवियों के नाम पे चार सेक्स टॉय, अर्ली मैरिज के नाम पर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो वल्गैरिटी हो रही है, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी। ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है, इंडिया हावी हो रहा है पाकिस्तान की जवान लड़कियों पर। इंडिया का लिबरल माहौल, इंडिया का मॉडर्न माहौल, इंडिया के जो हिंदू लड़के हैं उनका जो एक मैं क्या बोलूंगी, जो अपब्रिंगिंग है, जो उनका जो संस्कार है, उनकी जो संस्कृति है, वो मुसलमान लड़कियों को अट्रैक्ट कर। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि योगी जी से हमारे लिए ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए और मैं वापस नहीं जाऊँ। योगी सरकार भी अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पिछले डेढ़ महीने से वो छुपे छुपे इंडिया में घूम रही थी, नेपाल के द्वारा वो बस पे चढ़ करके यहाँ पर आई। सचिन नाम के एक लड़के से उसको कहा जा रहा है कि पबजी पर मोहब्बत हो गई है, कहा जा रहा है। मैटर इज स्टिल सब ज्यूडिस। अब इसके नेगेटिव पार्ट भी मैं आपको बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। तो ये जो पूरा हमने मोहब्बत की कहानी सुनी है, उसका हस्बैंड पहले से शादीशुदा था। अब इस बात पे गौर कीजिएगा, इस सीमा हैदर से शादी करने से पहले उसका हस्बैंड पाकिस्तान में पहले से शादीशुदा था और एक मिस कॉल के द्वारा सीमा से पाकिस्तान का जो इसका शौहर है प्यार मोहब्बत बढ़ा था। और सीमा हैदर के कहने पर उसके पाकिस्तानी शौहर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। अपने पहले मोहब्बत को, अपने पहले वायदे को तोड़ सकता है, वो हजार वायदे भी तोड़ सकता है। और हिम्मत देखिए कि चार बच्चे लेकर के हिंदुस्तान चली आई और मीडिया के सामने कह रही है कि मुझे अब पाकिस्तान नहीं जाना है, मुझे सचिन के साथ ही रहना है।
कई लोग इसे गदर फिल्म की कहानी बोल रहे हैं तो कई लोगों ने अब इसे एक था टाइगर बोलना शुरू कर दिया है। इस कहानी में लव गेम धोखा और अब जासूसी एंगल की भी बात की जा रही है। मुझे इंटरव्यू में ये इनोसेंट दिख रही हैं। मुझे लग ही नहीं रहा कि ये पहले मुस्लिम थी और भारत में आने की खुशी इनके चेहरे पर अलग ही दिखाई दे रही है, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है। आजकल लोग झूठी हंसी भी हंस सकते हैं। यही है कि इन पर जो जरूरी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, जांच परख अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन अगर ये रियल में इनोसेंट है तो इनको साथ रहने दिया जाना चाहिए। ठीक है कि हिम्मत की हो सकता है कि पाकिस्तान दाद दे सकता है, हम दाद नहीं दे सकते। अब मैं आती हूं नेगेटिव पॉइंट पर, बिकॉज कानून NIA NSA सिक्योरिटी मिलिटेंट घुसपैठिया स्पाई ऐसी बहुत सारी चीजों से हम पहले भी जूझ चुके हैं हिंदुस्तान, और दोबारा नहीं हो सकता है। बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि पबजी पर आपको मोहब्बत हुई कैसे, आपको पाकिस्तान से नेपाल तक पहुंचाया किसने, क्योंकि काफी सिक्योरिटीज होती है, काफी बैरिकेड्स होते हैं, काफी क्वेश्चंस होते हैं, काफी काफी सवाल जवाब होता है, तो आपको इस सवाल जवाब से लेकर के इतना पैसा आया कहां से कि आपने हर एक जगह पर मुंह पे पैसे डाल करके आप नेपाल तक पहुंच गई, वो भी चार बच्चों के साथ। 27 साल की लड़की, मैं मान ही नहीं पाऊंगी कि चार बच्चों के साथ इतना लंबा सफर, लंबा तो लंबा, इतना रिस्की सफर कोई तय कर ले, एक लड़की तय कर ले, और वो भी घुसपैठिया बन करके। मुसलमान कहते हैं कि हम सबसे अफजल तरीन कौम है, लेकिन अगर हम वाकई देखें तो क्या इन्होंने अफजल तरीन कौम वाले काम किए हैं? क्या है अफजल तरीन कौम? और आपने क्या कहा, कंफर्ट जोन? आप जिसको कंफर्ट जोन कह रही है ना, उसको मैं कहती हूँ सेक्सुअल थरक। और बराए मेहरबानी निमरा मेरे ये क्लिप को काटिएगा, जिसको आप कंफर्ट जोन कह रही है उसको रॉ लैंग्वेज में सेक्सुअल थरक कहा जाता है। यहाँ ससुराल आकर कैसा लगा पहली बार आप जब पहुंची यहाँ दाखिल हुई? बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर अब आप खुश हैं? सोचो पाकिस्तान का माहौल किस लेवल का है कि वहाँ की लड़कियाँ भारत आने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है, एक बार भी डर नहीं लगता। मैं तो पाकिस्तान में वीजा लेकर भी नहीं जाऊँ। हलवा पका। अभी इस मैटर को जांच एजेंसियों के भरोसे छोड़ देते हैं। तो आपके क्या थॉट्स इस वीडियो पर वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लव यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो मेरा ही था। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।